पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है यहाँ पर, काठियावाड़ तट क्लियर है। अब मैदान, कोस्टल प्लेन, ठीक। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पश्चिमी एवं पूर्वी घाट पर्वत को देखा था। आज हम लोग उसी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत के निचले सिरे पर तटीय मैदान को देखेंगे। तो पश्चिम में आपका पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्व में आपका पूर्वी तटीय मैदान। ओके, चलिए। ये आपका प्रायद्वीपी भारत है। ओके, यहाँ पर देखा था हमने क्या, ये पूर्वी घाट का पर्वत, और इस तरफ क्या देखा था, सॉरी, ये आपका पश्चिमी घाट का पर्वत और ये पूर्वी घाट का पर्वत। ओके, और इन्हीं घाट पर्वतों के निचले सिरे पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। तो इस तरफ पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम में आपका क्या, पश्चिमी तटीय मैदान। क्लियर। तो पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार ये गुजरात से लेकर, कहां से, गुजरात से, गुजरात से लेकर ये पूरा आपका कहां तक गया हुआ है, केरल तक। जबकि पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार ये तमिलनाडु से पूरा कहां तक गया है आपका, उड़ीसा तक, तमिलनाडु से उड़ीसा। तो इधर आपका पश्चिमी तटीय मैदान ये गुजरात, गुजरात से फिर आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, कर्नाटक, उसके बाद आपका केरल। ठीक वैसे ही पूर्वी तटीय मैदान ये आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और देखने कहां मिलेगा, तो उड़ीसा पर। क्लियर। इन तटीय मैदानों का निर्माण सागर के जो तरंग होते हैं, है ना, वेव्स, सागरी तरंगों के अपरदन, इरोजन और नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से, सेडिमेंट के डिपोजिशन से हुआ है। तो याद रखिएगा, पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण कैसे, तो सागरीय तरंगों के अपरदन व नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। क्लियर है। पश्चिमी तटीय मैदान ये तुलनात्मक रूप से क्या है, कम चौड़ा है। किसकी तुलना में, तो पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में। पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है जबकि पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान ये तट पे जाओगे तो यहां का जो तट है वो आपको काफी कटा छटा मिलेगा, ठीक है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान पे जब आप आओगे तो यहां का जो तट है वो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में कम कटा छटा है। ओके, तो याद रखिएगा, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में इसका अपरदन क्या हुआ है, अधिक हुआ है। इस वजह से ये क्या है, अधिक कटा छटा है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान ये पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक उभरा हुआ है। उभार इस पूर्वी तटीय मैदान का क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण यहां पर आपको पोताश्रय यानी कि पोर्ट यानी कि आपका बंदरगाह कम देखने को मिलेगा। किसकी तुलना में, तो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में। क्लियर है। चलिए, पश्चिमी तटीय मैदान ये आपका गुजरात का तट है, ठीक, गुजरात। तो पश्चिमी तटीय मैदान ये गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं, काठियावाड़ तट। ओके, कहां तक के, गुजरात के। तो ये पूरा आपका क्या है, गुजरात का तट, ठीक। गुजरात से लेके आपका ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका गोवा। कहां पे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गोवा में। तो महाराष्ट्र और गोवा के तट को ये आपका कोनार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनार तट। ओके, इधर गोवा से कर्नाटक, गोवा से कर्नाटक, यहां का जो तट है ये आपका कन्नड़, सॉरी, महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट। जबकि कर्नाटक के तट को कन्नड़ या कोनार तट कहा जाता है। केरल में, कहां पे, केरल में, केरल में पश्चिमी तटीय मैदान ये मालाबार तट कहलाता है। क्या कहलाता है, मालाबार तट, मालाबार तट। ओके, तो गुजरात के तट को आपका क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट। ओके, महाराष्ट्र से गोवा,
महाराष्ट्र और गोवा का तट क्या कहलाता है? कोंकण तट। कर्नाटक का जो तटीय मैदान है ये क्या कहलाता है? कुनार या कन्नड़ तट। और मालाबार तट किस कहां के तट को कहते हैं? तो केरल के। कहां के? केरल के। क्लियर है? ठीक वैसे ही इधर आओगे तो ये जा रही है आपकी स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा। ये आपकी जा रही है महानदी, यहां से आपकी गोदावरी नदी, गोदावरी नदी ये आपकी कृष्णा, और ये आपकी क्या? कावेरी नदी। क्लियर है? तो ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है यहां पर, ठीक। तो स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी से लेके आपका महानदी तक, ओके। तो स्वर्ण रेखा नदी से लेके महानदी तक का जो तट है कहां पे? उड़ीसा में। कहां पे? उड़ीसा में। ये कहलाता है आपका उत्कल तट। क्या कहलाता है? उत्कल तट। तो उड़ीसा में स्वर्ण रेखा नदी से लेके महानदी तक के मैदान को क्या बोलेंगे? उत्कल तट। उसके बाद महानदी कहां पे? उड़ीसा पे। और ये आपका कृष्णा नदी का डेल्टा कहां पे? आंध्र प्रदेश में। तो महानदी के डेल्टा से लेके ये आपका कृष्णा नदी तक का डेल्टा का क्षेत्र कहां पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक। ये आपका कहलाता है उत्तरी सरकार तट। क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट, ओके। और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा से लेके पूरा कहां तक आपका ये कन्याकुमारी तक, यहां तक का जो तटीय मैदान है ये कहलाता है आपका कोरोमंडल तट। क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट, ओके। पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे लंबा तट कौन सा है? काठियावाड़ तट, ठीक। कहां का तट सबसे लंबा है? तो याद रखिएगा गुजरात का। किस नाम से जाना जाता है? तो आपका काठियावाड़ तट के नाम से, क्लियर। जबकि पूर्वी तटीय मैदान में, पूर्वी तटीय मैदान में सबसे लंबा तट कौन सा है? उत्तरी सरकार तट। कौन सा है? उत्तरी सरकार तट। और उत्तरी सरकार तट के बाद सबसे लंबा तट किसका है? तमिलनाडु में आपका कोरोमंडल तट, क्लियर है। पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे लंबा तट कौन सा? काठियावाड़ तट, गुजरात का। पूर्वी तटीय मैदान में सबसे लंबा तट आपका कौन सा? उत्तरी सरकार तट। ये आपका कहां से कहां तक? तो महानदी के डेल्टा से लेके गोदावरी नदी, सॉरी कृष्णा नदी के डेल्टा तक, आंध्र प्रदेश प्लस आपका उड़ीसा, क्लियर है। अब यदि पूरे तटीय मैदान को लेंगे, पश्चिमी भी और पूर्वी भी, तो पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में जो सबसे लंबा तट होगा वो किसका होगा? गुजरात का। कौन सा? काठियावाड़ तट, क्लियर है। अब पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो अधिक चौड़ा है, सॉरी कम चौड़ा है किसकी तुलना में? पूर्वी तटीय मैदान की। तो पूर्वी तटीय मैदान क्या है? अधिक चौड़ा है, क्योंकि यहां पे नदियां क्या करी हैं? डेल्टा बनाती हैं, ओके। और डेल्टा बनाते हुए अपने द्वारा लाए गए अवसादों का काफी दूरी तक क्या करती गई? जमाव करती गई। इस कारण यहां पे मैदान की चौड़ाई क्या है? ज्यादा है। जबकि पश्चिमी तटीय मैदान को आप देखोगे तो यहां पे जो गिरने वाली नदियां हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं, वो किसका निर्माण करती हैं? एश्चुरी का। पर्वत से निकलकर सीधा किस में जाकर मिल जाती हैं? सागर में। इसलिए इस मैदान की चौड़ाई क्या है? कम है, ओके। तो अगर आप देखोगे पश्चिमी तटीय मैदान को, तो ये जा रही है आपकी कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ये जा रही है आपकी ताप्ती नदी, ओके। तो नर्मदा और ताप्ती नदी का जो मुहाना है ये वाला, ओके, कहां पे? गुजरात में। नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने वाले क्षेत्र पर पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई क्या है? सबसे ज्यादा है। तो पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई सबसे ज्यादा कहां पे है? तो गुजरात में। गुजरात में कहां पे? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने के बीच के क्षेत्र में, क्लियर है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान में जब आओगे तो पूर्वी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई ये आपको तमिलनाडु में मिलेगी। कहां पे? तमिलनाडु में। कौन सा तट? तो कोरोमंडल तट, क्लियर है, ओके।